नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए डॉक्टर संग्राम यादव की जीत की खबर मिलते ही सुबह उनकी आवाज सैनपुर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वही सेल्फी लेने के लोगों में होड़ सी लगी रही। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में क्षेत्रीय विधायक संघ तस्वीरें यादगार के रूप में ले रहे थे। वही लोग पूर्व मंत्री बलराम यादव तथा उनके विधायक पुत्र संग्राम यादव को फूल मालाओं से ला दिया। डॉक्टर संग्राम यादव ने सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया तथा कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और तीसरी बार मुझे भारी मतों से जीत दिलाई है। मैं यहाँ की जनता का आभारी हूँ तथा यहाँ के लोगों के लिए दिन रात निरंतर सेवा करता रहूंगा। यहाँ के लोगों ने अपना अपार स्नेह और प्यार मुझे दिया है, तो मैं यह वचन देता हूँ कि यहाँ के लोगों का विश्वास हमेशा कायम रखूंगा। साथ ही साथ युवा कार्यकर्ता मीडिया बंधुओं को भी इस जीत की बधाई देता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए मुझे जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वह सदन हो या सरकार। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा मेरे सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी। सभी वर्ग के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, तो वहीं विकट परिस्थितियों में भी हमेशा अपने लोगों के साथ रहेंगे। यहाँ के लोगों का जो प्यार और स्नेह मुझको मिला है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके हमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। अतरौलिया के महान जनता का हम आभारी हैं कि यहाँ की जनता ने, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने, अग्रणों ने, पिछड़ों ने, शोषित ने, वंचित ने, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ना लिया हो, और उनका प्यार और स्नेह हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऋण है। हम जनता के दिए हुए आशीर्वाद के ऋण आशीर्वाद को ऋण के तौर पर लेते हैं और अतरौलिया की महान जनता का धन्यवाद देते हुए उनकी सेवा का व्रत लेते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि हम उनके किसी भी काम आ जाएं, तो अपने जीवन को हम धन्य समझेंगे, अपने विधायक कार्यकाल को हम धन्य समझेंगे। जो हमारा शुरुआत से ही प्रयास रहा कि जो गरीब हैं, इलाज के अभाव में जिन्हें तकलीफें होती हैं, ऐसे लोगों की मदद करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। आपके कार्यकर्ताओं ने रात रात के एक फौजी तरीके से लड़ाई करते रहे, खड़े रहे, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? हम समाजवादी पार्टी के संगठन के अपने सभी सम्मानित पदाधिकारीगण का, बूथ प्रभारीगण का, सेक्टर प्रभारीगण का, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष का, अध्यक्षगण का, अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, क्षेत्र के आवाम पसंद लोगों का, सच्ची पत्रकारिता का, सच्चे लोकतंत्र सेवकों का, बीएड टेट नौजवानों का, जो बेरोजगार नौजवान थे, माताएं थी, बहनें थी, जिन्होंने जिनका एक अटूट विश्वास था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने जिस तरह का सहयोग दिया है, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिल करके जो चोर रास्ते से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। वहीं पर बहुत नज़दीक 2024 है, अगर इन्होंने हमारी उत्तर प्रदेश की कुर्सी छीनी है, तो हम प्रयास करेंगे कि देश के अंदर इस तरह का वातावरण बनाएं कि देश के लोग इनके खिलाफ खड़े हों और ईवीएम के द्वारा जो इनकी लूट है, उस लूट का पर्दाफाश।